फ्रेंड्स, आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है। बीएड का एग्जाम जो है अब हर जगह पे आने वाला है, या फिर डेट निकाल दिया गया है, एग्जाम होने वाला है, जैसे आप लोग मुझे मैसेज करके बता रहे हो। तो जब बीएड का एग्जामिनेशन हो रहा है, तो उसमें आप लोगों का क्वेश्चन है कि लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखे। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का हो सकता है, 15 मार्क्स का हो सकता है, या फिर आप लोगों का जो है 10 मार्क्स का भी हो सकता है। तो आपका यही है कि लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हम जो है कैसे लिखेंगे। तो आज इस वीडियो में जो है हम बहुत डिटेल से बात करेंगे कि आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कैसे लिख सकते हो। साथ ही साथ मैं एक नोट्स भी आप लोगों को शेयर करूंगी कि उसमें किस तरह से लिखा गया है और कैसे आप लिखोगे तो आपको जो है फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। ये होता है, हम जब बीएड की कॉपी चेक करते हैं एज अ टीचर, मैं जो है बीएड की कॉपी जब चेक करने जाती हूँ, तो ये सभी चीजें हम पॉइंट को नोट डाउन करते हैं कि बच्चे ने जो है क्या क्या मिस्टेक किया है, क्या नहीं किया, क्या अच्छी चीजें उसमें की है। तो वो सभी चीजें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आप लोग साथ शेयर करूंगी आज, जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को जो है आप शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो भी बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिले। हमारे चैनल का मकसद यही है कि बीएड को एज अ ऑप्शनल चीज लेकर के और जो है करियर लेकर ना चला जाए, मेन बनाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बीएड में जो है आप क्वेश्चंस का जो, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको लिखने का क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है, उस पर ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट यही कहता है कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हो तो उसमें आपका एक्सप्लेनेशन सही तरीके से होना चाहिए। जैसे मान लो कि आप जो है चाइल्डहुड लिख रहे हो, ठीक है, चाइल्डहुड के बारे में आपका क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था क्या है, इसकी विशेषता लिखिए, आता है ना क्वेश्चन। तो जब आप चाइल्डहुड लिख रहे हैं तो इसमें आपको इसका डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा सही से देनी है, और इस परिभाषा में जो है आपको साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो विद्वान हम बोलते हैं, उनकी परिभाषा जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए। कितने? 3। लॉन्ग में कम से कम 3 साइकोलॉजिस्ट की परिभाषा इंक्लूड होनी चाहिए, ये कंपलसरी पॉइंट है। जैसे कि मानो कि आपको चाइल्डहुड का है तो चाइल्डहुड के बारे में स्किनर का क्या कथन है, जैसे हरलॉक का क्या कथन है, ये सभी चीजें इसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। कम से कम 3 मैं बता रही हूँ, इस पे 2 से 3 नंबर आपका डिपेंड करता है। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं कि किस पे हमें ध्यान देना होता है, तो हमारा एक्सप्लेनेशन सही से तो होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को अलग करने के लिए जो है हम चार्ट का या फिर डायग्राम का यूज करते हैं, ठीक है। चार्ट या डायग्राम ये जरूर लॉन्ग क्वेश्चन में रखिएगा। देखिए, शॉर्ट में आप लोगों को जरूरत होगी नहीं होगी, आप लिखोगे नहीं लिखोगे चलेगा, बट लॉन्ग में क्योंकि हमें पेज भी कवर करना है और अपने आंसर को सबसे अलग भी बनाना है, तो चार्ट या डायग्राम के थ्रू अपने आंसर को जरूर दिखाएं, शो करें, ठीक है। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट मैं हमेशा से आप लोगों के लिए बोलती हूँ, वो हमारा थर्ड नंबर जो है मैं पॉइंट बोलूंगी, वो आप लोगों का रहता है, ध्यान से समझना भाई थर्ड नंबर पॉइंट को, ये आपका होता है कंक्लूजन। थर्ड नंबर क्या होता है? कंक्लूजन। कंक्लूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? निष्कर्ष। क्या बोलेंगे? निष्कर्ष। ये आपके जो है आंसर में होना चाहिए, ये आपके आंसर में बिल्कुल कंपलसरी होना चाहिए। जैसे मान लो कि क्वेश्चन है बाल्यावस्था किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को समझाएं, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्डहुड एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट, ये क्वेश्चन रहा इंग्लिश में। हिंदी में तो आप चाइल्डहुड की जो है किसे कहते हैं परिभाषा दोगे, जिसमें विद्वानों की परिभाषा होगी। बॉडी पार्ट में जो है आप डायग्राम और चार्ट दिखाओगे, एंड द लास्ट में आपका कंक्लूजन होना चाहिए। कंक्लूजन अक्सर जो है स्टूडेंट्स को अपने शब्दों में लिखना चाहिए, जैसे उपयुक्त कथनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में जो है बच्चे इस तरह से करते हैं, या जो भी जो आपको समझ में आ रहा है। 2 से 3 लाइन का कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलेंगे, आप लोगों को हम ये दिखाएंगे कि नोट्स एक्चुअली में जो है कैसे लिखना है। नोट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, ताकि आपको मेरी ये पॉइंट्स तो समझ में आई, साथ ही साथ एज अ नोट्स भी आप देख लो कि कैसा होना चाहिए। देखो ये नोट्स है, क्वेश्चन वही है,
क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो वही है आप लोगों का कि चाइल्डहुड क्या है, बाल्यावस्था क्या है, ठीक है, बाल्यावस्था क्या है या बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं और बाल्यावस्था किसे कहते हैं, ये इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। ये आप यहाँ पे देख लो, इसमें बच्चे का एक्सप्लेनेशन मैं आपको अच्छी तरीके से सब दिखा देती हूँ। बच्चे ने क्या लिखा है, बाल्यावस्था, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से दिया है, यह विकास की एक ऐसी अवस्था है जिसमें छात्रों की स्मरण चेतना, ठीक है, यहां तक आप लोगों का क्लियर है, ये आप लोगों का हो गया किसे कहते हैं पे, ठीक है। यह विकास की वह अवस्था होती है जिसमें बालक के व्यक्तित्व, ये बाल्यावस्था को एक्सप्लेन किया है। बाल्यावस्था का फिर यहाँ पे देखोगे तो एजेस भी बता दिया है कि भाई एज क्या होता है, 6 से 12 साल, 6 से 9 साल को पूर्व बाल्यावस्था, 9 से 12 साल को। बताओ कोई भी जो है टीचर इन चीजों को आप काट पाएगा क्या? नहीं। अब यहां से देखो बाल्यावस्था की परिभाषा की जो मैं बात कर रही थी, देखो यहाँ पे बाल्यावस्था की परिभाषा लिखा हुआ है किलपैट्रिक के अनुसार, देखो कितने अच्छे से लिखा हुआ है, 1 नंबर में किलपैट्रिक अंडरलाइन किया गया है, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है, इन्होंने जो बोला है और इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाला है। ये आपका जो छोटी छोटी चीजें होती है जो आप मिस्टेक करते हो, मैं नहीं चाहती हूं कि आप लोग मिस्टेक करो, ठीक है। कॉल वो ब्रूस के अनुसार यहाँ लिखा हुआ है, रॉस के अनुसार लिखा है, यहाँ पे फ्राइड के अनुसार लिखा है, इस बच्चे ने 4 जो है फिलोसोफर का लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे सबके डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमा में। अब देखिए बाल्यावस्था की विशेषता, देखो बाल्यावस्था की विशेषता इसका दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का, है ना, तो इसीलिए इसको मिडिल में लिखना जरूरी है ताकि पता चले एग्जामिनर को कि हाँ ये सेकेंड हाफ है क्वेश्चन का, ये सेकेंड हाफ है। अब यहाँ पर जिस डायग्राम की मैं बात कर रही थी वही डायग्राम यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप बोलोगे कि बाल्यावस्था की विशेषता में जो है कहाँ से डायग्राम बनेगा, देखो इस बच्चे ने कितने अच्छे से बनाया है, देख लो ये डायग्राम, कोई ये नहीं था कि ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही कर दिया गया, लेकिन इसका आंसर इससे अलग हो गया है। इसमें इसमें बता दिया है मूर्त संक्रियात्मक, खेल की अवस्था है, निर्माणकारी अवस्था है, सामुदायिक अवस्था है, संवेदनशीलता है, चिंतन है, ये सभी चीजें बच्चों की विशेषता है। 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट को यहाँ पे उसने शो कर दिया और नीचे में इसी पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया गया है। बस देखो आता तो सबको है लेकिन लिखने का तरीका होना चाहिए। अभी देखो खेल की अवस्था, गेमिंग स्टेज यहाँ पे डिटेल बता दिया गया, ठीक है, ये सभी चीजें देख रहे हैं। और लास्ट में यही निष्कर्ष की मैं बात कर रही थी जो कि ये आप लोगों के शब्दों में होना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है, ये आपके शब्दों में नहीं होगा प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। तो यहाँ पे देखो निष्कर्ष, कंक्लूजन और इतने में आपको बता देना है, क्लियर है, ये ज्यादा तो हुआ नहीं। अब आप पूछोगे कि मैम ये कितने पेज लिखना है, तो देखो अगर 16 मार्क्स का है, ठीक है, तो आपको 4 पेज लिखना पड़ेगा। अगर 15 नंबर का है तो 3.5 4 पेज लिखना ही पड़ेगा। अगर आपका 10 नंबर का है, ठीक है, तो आप जो है 3 पेज लिख सकते हो, 3 पेज आपका, ठीक है, 10 नंबर का 3 पेज वो से, तो 2.5 से 3 पेज का आपका आंसर होना चाहिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है, किस तरह से लिखना है, किस तरह से आपको करना है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिट करे और आप लोगों का जो 1, 2 नंबर, 3 नंबर आते हुए भी चला जाता है वो ना जाए। सो इस तरह के वीडियोस जो है आप लोगों को मिलते रहेंगे। अगर आप लोगों को कोई सजेशन चाहिए या हेल्प चाहिए तो इस वीडियो में आप कॉमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।